हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए कोई रजिस्टर फॉर्मेट नहीं बल्कि दो दो खुशखबरी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आप खुश हो जाएंगे। तो भारत सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन दिल्ली द्वारा 11/7/24 को एक लेटर जारी हुआ है। ये है वो लेटर जिसमें लिखा गया है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर सिर्फ एक OPD रजिस्टर बनेगा और जो रजिस्टर्स का बर्डन हटाने के लिए ये फैसला लिया गया है जिससे SWC पर जो रजिस्टर्स की भरमार होती है वो कम हो सके और जो कागज बर्बाद होते हैं वो कम हो सके और सारा डाटा आपका ऑनलाइन पोर्टल से देखा जाएगा। जो भी आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं वो डेली करिए और अपना ऑनलाइन काम डेली के डेली कंप्लीट करिए और अपडेट करते रहिए कि कोई टेक्निकल इशू भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो और आने वाला PBI भी आपका ऑनलाइन डाटा के बेस पर ही बनेगा, रजिस्टर्स कम हो जाएंगे। तो इस लेटर में लिखा गया है कि आपको एक OPD रजिस्टर बनाना है। OPD रजिस्टर आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके सारे PBI के पॉइंट उसमें कवर हो जाए, वो आपको ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप उस रजिस्टर को छपवा लीजिए। और दूसरी खुशखबरी क्या है, तो ये है वो लेटर जो भारत सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन दिल्ली द्वारा 24/7/2024 को जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि जो NQAS के अंतर्गत आने वाले SWC है जिनका अभी NQAS का असेसमेंट नहीं हुआ है उन सभी को सिर्फ 7 रजिस्टर बनाने हैं अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर और उन 7 रजिस्टर का नाम उन्होंने इस लेटर में दिया है। इस लेटर में नेक्स्ट पेज पर NX0A करके लिखा हुआ है और उसमें 7 रजिस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपको NQAS असेसमेंट के लिए बनाने हैं। उसके अलावा आपको जो भी 30-40 रजिस्टर के फॉर्मेट बताए गए थे वो सब आपको अब नहीं बनाने हैं। जितना भी डाटा आपका NQAS असेसमेंट में देखा जाएगा वो ऑनलाइन देखा जाएगा। और लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने ये लेटर ग्रुप में भी देखा होगा और पढ़ा भी होगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि NQAS असेसमेंट सिर्फ रजिस्टर या रिकॉर्ड के लिए नहीं होता है। तो रजिस्टर के बर्डन को कम करने के लिए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि आपको सिर्फ 7 रजिस्टर बनाने हैं और बाकी रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन मेंटेन करके रखना है और डेली आपको रिपोर्टिंग करनी है और जो भी आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा वो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के डाटा से मैच होना चाहिए। और इसके अलावा आपको सारे SWC के रिकॉर्ड बनाकर रखने हैं, या तो आप उसको डायरी मेंटेन करके रखिए या फिर आप एक चार्ट बना लीजिए जिसपे आपका पूरे SWC का रिकॉर्ड हो और जो NQAS की 500 पॉइंट की चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा कलेक्ट करना है अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर पहले की तरह, लेकिन जो आपका रजिस्टर का रिकॉर्ड है वो कम हो जाएगा। तो हुई ना आपके लिए खुशखबरी। इन दोनों लेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज अब तक आ ही गया होगा कि आपको नॉर्मल SWC पे सिर्फ OPD रजिस्टर बनाना है। उसके अलावा JAS रजिस्टर तो है ही, वो तो आपका बनेगा ही, और आपका रेफरल रजिस्टर है, NCD फॉलो अप रजिस्टर है, ये 3-4 रजिस्टर तो आपके बनेंगे, लेकिन इसके अलावा जो फालतू का रिकॉर्ड हमें बनाना होता था वो आपको नहीं बनाना है। आपकी जितनी भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग्स हैं वो आपको डेली कंप्लीट करके रखनी है और वहीं से आपका सारा डाटा लिया जाएगा। इस लेटर पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।